मेरी जॉब लगी है चंडीगढ़। अरे इतनी दूर, वहाँ पे तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे है ना माँ, वहाँ मेरा चंडीगढ़ वाला फ्रेंड, जब भी कोई जरूरत हुई मैं उसे बोल दूंगी। लड़का अच्छा है ना? वो बहुत अच्छा है। वो हरमन, अरे नवनीत तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मेरी छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यार क्या बताऊँ, ये मेरी फ्रेंड है स्वर्लीन, इसकी यहाँ नई नई जॉब लगी है तो ये आज ही यहाँ शिफ्ट होने आई है। कोई रूम ढूंढ रहे थे इसके लिए। हाँ पर अच्छा सा रूम मिल ही नहीं रहा कहीं। कल मेरी जॉब का पहला दिन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा तुम्हें रूम। हरमन ने तुम्हें बताया नहीं, हम फ्लैटमेट हैं, हमारे पास एक रूम खाली पड़ा है। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम हमारे साथ रूम शेयर कर सकती हो। ओके फाइन। या इट्स कूल। ओके चलो फिर। लो सुरलीन, ये रहा हमारा फ्लैट और वो रहा आपका रूम। जब तक तुझे कोई रूम नहीं मिलता ना, तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो। थैंक्स हरमन, जब तक मैं इस फ्लैट में हूँ यहाँ का आधा रेंट मैं पे करूंगी, ठीक है? अरे रेंट की कोई बात नहीं, बस तुम हमारे लिए खाना बना दिया करना। वैसे भी इसके हाथों की टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ खाकर मेरा मुँह टेढ़ा हो गया है, कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। अच्छा मतलब तुम लोगों ने मुझे खाना बनाने वाली समझा हुआ है? अबे खाना बनाने वाली समझ। हरमन एक बात बोलूं? अरे बोल भाई। जो सुरलीन है ना, बड़ी सुंदर सी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या लगा तुम्हें कि कोई भूत? भूत? तुम किसी भूत से कम थोड़ा ही ना हो। सुरलीन तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? I love you। अभी दो दिन भी नहीं हुए हमें मिले हुए और तुम्हें इतनी जल्दी प्यार भी हो गया। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है, कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? और खबरदार जो मुझसे आइंदा ऐसी बात की। नवनीत, मुझे सुरलीन ने सब बता दिया जो तुमने उसके साथ हरकत की है। मैं सुबह के लिए तुमसे सॉरी मांगता हूँ। सॉरी? बस सॉरी बोल के अपनी गलती का पछतावा करने का अच्छा तरीका है। तुम सब लड़कों की यही प्रॉब्लम है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, सोचते हो कि कोई भी लड़की तुमसे सेट हो जाएगी आसानी से, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, ये बात याद रखना। देखा कितना एटीट्यूड है इस लड़के में। चलो छोड़ो, वैसे तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी लड़का तुम पे फिदा हो जाए।
हेवन के मैं भी। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी हरमन, और तुम भी उसकी तरह। यू बोथ आर सिक। लेकिन सुलीन, मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच में तुमसे। शट अप हरमन, हर चीज की हद होती है, और वैसे भी मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ती। मैं किसी अमीर और सक्सेसफुल इंसान से शादी करूंगी, और तुम्हारे पास है भी क्या देने को, इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाऊंगी। से जानती हूँ प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हैं, और तुमने अपनी शक्ल देखी है, कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है, कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी शक्ल प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हैं? कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? खाने में क्या बनाना है आज? खाने का भी कुछ कर लेते हैं, पहले पी तो ले। अरे वाह जी, किस खुशी में ले आया? खुशी कह लो या फिर गम कह लो या सुरलीन को मनाने का ढंग कह लो। सुरलीन, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर दोबारा नहीं। इट्स अ वियर, इससे कुछ भी नहीं होता। हाँ बट मैं लाइक ही नहीं करती। ले लो सरलीन, हमारी दोस्ती के नाम पर। अरे लो ना प्लीज। ले नवनीत, हम भी शुरू करें। अरे गिलास रख दिया, एक एक और लगाते हैं। नहीं हरमन बस। अरे बियर ही तो है। बस हरमन और मत डालो। ले लो ले लो। खींचो भाई। बस करो हरमन, बहुत ले, उठाओ उठा। हरमन मेरा सर चकरा रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ध्यान से जाना, ध्यान से। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बाय बाय। अरे केक बनाओ ना। Thank you.
अरे सुरलीन, क्या हुआ? Are you okay? No, I'm not okay. पता नहीं मुझसे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा है. I don't know what happened with me. कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी कर लो, आज काम पे मत जाना. ओके ओके ओके, बाय बाय. लो यार, खाओ खाना. लाओ लाओ. मेरा मूड नहीं है खाने का. क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे. चलो तो फिर तुम दूध पी लो, मैं अभी लेकर आया. मैं कुछ भूल गया. हाँ, बाउल. मैं बाउल लेके आया. अरे नवनीत, वो बाउल पकड़ा ना. देख, भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने, बताना कैसे लगी. सोरलीन, लो दूध. भूख बहुत लगी है यार, बैठो खाना खाएं. चलो गाइस, मैं सोने जा रही हूँ. गुड नाइट. ओके, गुड नाइट. ओके. नवनीत, जल्दी से तैयार हो, निकलना है ऑफिस को. बस निकलते हैं यार, दो मिनट रुक जा. नवनीत, तुम कल रात को मेरे रूम में आए थे. सोरलीन, क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे रूम में भला क्यों आऊंगा? तुम आए थे या नहीं? नहीं. तुम झूठ बोल रहे हो. तुम पिछली दो रातों से मेरे रूम में आ रहे हो, मुझे खाने में नशीली दवाई देते हो, और जब मैं होश में नहीं होती तो मेरे साथ गलत हरकत करते हो. मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस दिन का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना. नवनीत, क्या ये सच कह रही है? नहीं यार हरमन, ये झूठ बोल रही है. बकवास बंद करो, झूठ तुम बोल रहे हो. तुम जैसे घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. हरमन, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ आई थी ना, मुझे क्या पता था ये दरिंदा ऐसी हरकत करेगा मेरे साथ. हरमन, हरमन यार, सच में मैंने कुछ नहीं किया. चुप साले, जे क्या झूठ बोल रही है या इसके आंसू झूठे हैं? इससे पहले कि मैं अप्पे से बाहर हो जाऊं और यहां पे कुछ कर दूं, निकल जा यहां से. हरमन यार, मेरी बात तो सुन. I said get out.
जो हर रात करता हूँ तुम्हारे साथ। तो क्या वो तुम थे हरमन? बिल्कुल, उस दिन नवनीत को बियर लाने के लिए भी मैंने ही बोला था। अरे नवनीत कहाँ पे है? अरे बाहर क्यों घूम रहा है? अगर सुरलीन को मनाना है ना, पार्टी करनी पड़ेगी बेटा। चल बियर ले गया। फिर उस दिन तुम लोग जब बातें करने लगे तो मैंने गिलास में नींद की गोली डाल दी। जब नींद की गोली ने अपना असर दिखाया तो तू गहरी नींद में सो गई। नवनीत के सोने के बाद मुझे तेरे पास आने का मौका मिल गया और मैं तेरे रूम में आ गया। और हाँ, दूसरे दिन भी दूध में नींद की गोली मैंने ही मलाई थी। और तुम फिर दूध पी के बेहोश हो गई और मैंने तेरे साथ वो सब किया जो मैं करना चाहता था। पर क्यों अरमन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तुमने मेरा प्यार ठुकराया था। और तुम्हारे पास है भी क्या देने को? इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाओ मुझे। सुरलीन, तूने मेरा प्यार ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें पाके रहूंगा। मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया और तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की। फिर मैंने तुझे अपना बनाने की ठान ली। हरमन, किसी को अपना बनाने के लिए उसका प्यार जीतना जरूरी होता है, उसके साथ जबरदस्ती करके उसे हासिल करना नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ। Shame on you and I hate you. मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब एक पल और नहीं रुकूंगी। अरे चल। अरे जा कहाँ रही थी? मैं जिस चीज को पाने की ठान लूं उसे हासिल करके रहता हूँ। सनवी दरवाजा खोलो। सनवी दरवाजा खोलो। सनवी, इतना टाइम दरवाजा क्यों नहीं खोला? लक्की, मैं नहा रही थी, पर तुम इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे? मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? अरे अंदर मत जाना, काम वाली अभी पोछा लगा के गई है। Thank you.
सकेगा बाहर वो। कौन नहीं जा सकेगा बाहर? जिसे तूने पर्दे के पीछे छुपा रखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो तुम इतनी तेज चिल्लाए हो। बुरा सपना आया था एक। क्या सपना था? सपने में एक लड़का। कुछ नहीं, सो जाओ तुम। ये लीजिए कॉफी। वैसे आज ऑफिस से कब तक आ जाओगे? क्यों, बुलाना है किसी को क्या? क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था क्या कोई गेस्ट आने वाला है, जो आने का टाइम पूछ रही हो। नहीं, गेस्ट तो कोई नहीं आने वाला। तो क्यों पूछ रही हो? छोड़ो ना, वाइफ हूँ आपकी, पूछ नहीं सकती क्या? पूछ सकती हो। अब कॉफी खत्म हो गई हो तो जाओ काम के लिए। कल बोल रहे थे कोई डील भी करनी है। हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ही ऐसा है, कोई डील फाइनल हो या ना हो, मगर हर रोज कुत्तों की तरह इधर उधर जाना पड़ता है। अब काम ही ऐसा चूज किया है, ना जाने का टाइम ना आने का। तुम तो चाहती हो कि मेरा जाने आने का टाइम फिक्स हो। अब बातें ही बनाते रहोगे या जाओगे भी? जाता हूँ। भैया चाय बनाना है? एक बनाता हूँ, बैठो। ये लो साहब। अरे भाई एक सिगरेट देना यार। देता हूँ साहब, ये लो सिगरेट। अरे लक्की भाई तू? ओ नीरज, तू यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, यहाँ बगल के हॉस्पिटल में पापा एडमिट है। क्या हुआ अंकल को? कुछ नहीं यार, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओ नो। मैंने पापा को बहुत समझाया था कि पापा आज आप बाहर मत जाओ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, आपका सपने में एक्सीडेंट हुआ था। यार नीरज मुझे एक बात बता, ये सपने वाकई में ही सच हो जाते हैं क्या? हाँ यार, पापा ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, मगर ये बात सच है, अच्छे सपने सच हो या ना हो, लेकिन बुरे सपने जरूर सच होते हैं। चल ठीक है लक्की भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। सानवी दरवाजा खोलो। आ गए आप? क्यों, जल्दी आ गया क्या? क्या देख रहे हैं आप? ये कर्टन्स कहाँ गए? अरे वो तो मैंने धो दिए, अभी लगाती हूँ थोड़ी देर में। लगाओ, जल्दी लगाओ, बहुत जरूरी है। ये लो पानी। लकी, मैं तुम्हें कल रात से ही देख रही हूं, तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो, क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? सानवी, मेरा एक दोस्त भी आज बता रहा था कि जो हम सपने में देखते हैं वो एक ना एक दिन जरूर सच होता है, और ऐसा उसके साथ भी हुआ है।
और रात तो मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? नहीं बता सकता मैं। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करते हैं। मैं डिनर लगाती हूँ। जी मैं अभी निकलूं बैंक से, आज ही डील करवा देते हैं आपकी। आज नहीं हो पाएगी, काम हो गया। ओहो चलो ठीक है, मंडे को मिलते हैं। और रघु भाई निकले फिर? आज डील तो करवानी थी, एक पार्टी को काम हो गया आज, अब मंडे हो पाएगा। ओह नो, और कोई डील है क्या? कुछ नहीं यार, आपको तो पता है प्रॉपर्टी का मंदा चल रहा है। इसका मतलब आज का दिन तो बेकार हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं। तुम घर जाओ, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं। चलो ठीक है। सानवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सानवी। आओ। आज फिर इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। लक्की मैं सो रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो लक्की? पर्दे के पीछे पैर। उस दिन तो ये महज एक सपना था, मगर आज ये सब हकीकत में हो रहा है। सही बोला था नीरज ने, बुरे सपने जरूर सच होते हैं, मगर आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ये भी सपना ही था? सपने सच तो जरूर होते हैं, लेकिन हर सपना सच हो ये जरूरी तो नहीं।